देशातून निर्यात बंद असल्याने नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. कांद्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन होऊन देखील कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं इथल्या शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा येत असल्यानं दरामध्ये दिवसेंदिवस घटच होती आहे. पाहूयात एक खास रिपोर्ट. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव इथली बाजारपेठ आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. मात्र सध्या जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी त्रस्त आहेत. या बाजारात कांदा घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्याला सध्या चांगला भाव मिळत नाहीये. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशातून सर्वच प्रकारची निर्यात बंद आहे, त्यामुळे कांद्याची आवक जास्त आणि मागणी कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. एक्चुअली प्याज के दाम गिरते जा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन जो हुआ, ये भारी मात्रा में जो एक्सपोर्ट होता था, जो बाहर माल जाता था, कांदा हो इतर भी भाजीपाला हो, एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से, वो लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट बंद हो गया. इसके लिए कांदे के भाव दिन ब दिन गिरते जा रही है. 2000 से 1500 हो गए, 1500 से 1000 हो गए, अभी डायरेक्ट 500-600 रुपये रेट हो गए. वो ऐसा है, अभी आज का जो देखा जाएगा मार्केट में तो 6000-7000 क्विंटल माल आया था, तो भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा माल आने की वजह से एक्सपोर्ट बंद है, सब जगह बंद है, किधर भी माल नहीं जा रहा है. तो आज का रेट 600-700 रुपया क्विंटल हो गया. और अगर ऐसा ही रहा लॉकडाउन, और अगर 14 तारीख के बाद और भी बढ़ा, तो और भी भारी मात्रा में कांदे का, मतलब प्याज का दाम गिरने की बहुत ज़्यादा. कांद्याचे दर तर घटलेच, मात्र त्यातच कांदा काढण्यासाठी किंवा तो बाजारात नेण्यासाठी मजूर आणि वाहनही मिळत नसल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलंय. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दरात आपला माल विक्री करावा लागतोय. लॉकडाऊन आहे कोरोना के वजह से, उसके लिए हमाल मापारी जो कामगार लोग है, प्याज भरने वाले, गाड़ी वाले, कोरोना के वजह से कोई मार्केट में नहीं आ रहा है, ना भरने के लिए आ रहा है, ना ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी वाले आ रहे हैं, ना हमारे लोग आ रहे हैं, ना कोई आ रहे हैं. कोरोना के वजह से सब लोग डर गए, कहीं जाए मार्केट में तो कुछ ये हो गया तो लफड़ा ना हो जाए. इसके लिए कोरोना के वजह से कोई नहीं आ रहा है मार्केट में. और भी भारी मात्रा में अगर ऐसा ही रहा तो और भी ज़्यादा प्याज के दाम गिरने की संभावना है. मजूर आणि भाव दोन्ही मिळत नसल्यानं नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. यात माल घरात ठेवला तर तो खराब होण्याचीही भीती आहे. अशा वेळी माल खरेदी करण्यासाठी व्यापारीही पुढाकार घेत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण होत असल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलंय. आज मी मंडई में कम से कम 2-3 टन माल लेके आया था मंडई में, तो मेरे को 450 रुपया दाम मिला. उसमें भी मेरे को आज हमल नहीं मिले, माल लाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिली. ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारा खेती वालों को बहुत ही नुकसान हो रहा है. माल घर पे रख के क्या करेंगे, जितना भरेगा उतना मार्केट में लेके आते, उसके लिए भी व्यापारी भी नहीं आते, हमल भी नहीं आते. हम उधर दिन दिन बैठ के रहते, तो कोई एक आधा व्यापारी आके वहाँ हमारा कम रेट में माल लेके जाता है. हमारा ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया है, तो उसकी वजह से हम बहुत ही नुकसान हो रहा है हमारा खेती वालों का. हम आज पिपल गांव में प्याज लेके आए थे बाज़ार में, तो हमको 400-500 रुपए टन से मांग रहे हैं हमको, किसानों को. और वो सरकार हम ऊपर देख रहे नहीं, कोरोना की वजह से सब हमारा माल कम रेट में बेच रहे हैं. हम तो हम घर पे लेके जाए कि क्या करेंगे उसका माल का, इसलिए हम सब जल्दी जल्दी अपना लॉकडाउन खुले और हमारा भाव प्याज को भाव मिले, ये हम चाहते हैं. कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी अशा संकटांचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता निर्यात बंद असल्यानं कोरोनाचाही फटका बसलाय. यातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसतोय, त्यामुळे पुढील काळात सरकारनं मदत करण्याची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.